नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे, आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है, चाहे आप पैसा आपने ब्याज पे उधार दिया हो या बिना ब्याज के उधार दिया हो, मगर वह व्यक्ति जिसको आपने पैसा उधार दिया है वो लंबे समय से आपको वापस आपके पैसों का या ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। आप बार बार तकाजा करने पर भी वो आपको पैसा नहीं दे रहा है और उस व्यक्ति का आपके पास चेक पड़ा हुआ है, चाहे वो चेक खाली है, चाहे उस व्यक्ति ने चेक भरकर दिया है, और आप ये विचार कर रहे हैं कि अब मैं इस चेक का प्रयोग करके पैसे उससे वापस वसूलूं, मगर आपके दिमाग में ये बात है कि चेक का उपयोग किस प्रकार से करूं, चेक का मुकदमा कितना लंबा चलेगा, इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या मेरा पैसा वसूल होगा या नहीं होगा, और आपके दिमाग में ये बात भी है कि मेरे पास ब्याज पर पैसे देने का लाइसेंस नहीं है, कल कोर्ट मुझसे भी पूछेगी। तो ऐसी सारी परिस्थितियाँ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने जिस व्यक्ति को हेल्प के लिए चेक दिया, सॉरी पैसा दिया, उसने आपको चेक दिया, वो चेक या तो खाली हो, खाली का मतलब है उसके सिग्नेचर युक्त होना चाहिए, उसके सिग्नेचर ही नहीं है तो वो चेक कोई काम का नहीं, या वो चेक उसने भर कर दिया, ठीक है, भर कर दिया, पूरा कंप्लीट भर कर दिया, दिनांक भी भर कर दिए, तो फिर आपको उसको 3 माह में बैंक में डालना, ठीक है, और उसे दिनांक भर के नहीं दिए तो आपको कोई भी दिनांक भरकर बैंक में डालना है, अगर बाकी अमाउंट उसने भर कर दिया है, और अगर उसने वो चेक पूरा खाली दिया है, सिर्फ अपने हस्ताक्षर करके दिया, ना तारीख भरी है, नाम भरे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, जो पैसा आप मांगते हैं वो पैसा आपका नाम लिखना है, उस पैसे का जो पैसा है उसका वर्णन लिखना है, या पे अंकों शब्द दोनों में लिखना है या तारीख लिखनी, और उस चेक को बैंक में डालना है आपके खाते में, ठीक है, क्योंकि चेक को हमेशा अकाउंट पे करना है, ऐसे लिख देना। बैंक में डालने पर क्या होगा, उस महानुभव के खाते में पैसा होगा तो आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, और पैसा नहीं होगा तो पैसा नहीं आके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर चांस रिटर्न होने की। देखो, ये बैंक में आप चेक डालो ना, उससे पहले आपको क्या काम करना है, मैं मेरे हर क्लाइंट को ये बात जरूर बताता हूँ कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति वो जिसके पास वास्तव में ऐसी परिस्थिति खराब हो गई कि उसके पास पैसा है ही नहीं, वो देना चाहता है मगर उसके पास है ही नहीं, तो आपको भी मानवता रखते हुए कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए कि उसकी स्थिति वास्तव में ख़राब है और वो पैसा देना चाहता है, कुछ समय रुक जाइए, जब उसकी स्थिति सही हो तो पैसा आ जाएगा। या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो है मगर उनकी देने की नीयत नहीं है, और आपको लग जाए कि अब ये बार बार हम बोल रहा है कि हाँ मैं दे दूंगा, रुको, और वास्तव में उसकी नीयत नहीं है, तो आपको चेक बैंक में डालना चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। अब आपने चेक बैंक में डाल दिया, अब जैसे आपने चेक बैंक में डाला, बैंक से वो रिटर्न होके चेक और रिटर्न मेमो, यानी दो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, रिटर्न होने का भले कोई भी कारण हो, जैसे अपर्याप्त राशि, अपर्याप्त नहीं, इनसफिशियंट फंड्स, यानी उसके पास पैसे नहीं है, या उसके हस्ताक्षर सही नहीं किए हो, ठीक है, अन्य कोई भी कारण हो, आपके कुल मिला के आपको पैसा नहीं मिला और चेक रिटर्न हो गया, तो वो रिटर्न मेमो और वो चेक। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि रिटर्न मेमो आने के बाद जब भी आप उसको फ़ोन करके बोलते हो कि साहब चेक रिटर्न हो गया तो क्या करा, तो वो बोलता है रुको, और वो 30 दिन से ज़्यादा का समय निकाल देता है, तो आपको ये चेक वापस रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बार में विशेष ध्यान रखें, चेक रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर अंदर ही नोटिस देना। ज़्यादातर बदमाश क्या करते हैं, जो अभियुक्त होते हैं बदमाश, कि वो रिटर्न होते हैं उनको पता चल जाता है, वो आपके पास आएंगे, कुछ दिन रुको सर मैं पैसा देने को तैयार हूँ, 30 दिन निकाल देंगे, उससे क्या हुआ, आपको वापस चेक डालना पड़ेगा, वापस वो ऐसे ही करेगा, इस प्रकार 3 महीने आपके निकाल देगा और चेक आपका कोई काम का नहीं रहेगा। तो आपको रिटर्न होते ही आपके जो आसपास के कोई एडवोकेट हैं उनसे आपको नोटिस दिलाना, क्या नोटिस, वो नोटिस की एक फिक्स लैंग्वेज होती है, वो लिख देंगे कि 15 दिन में आपको पैसे लौटाए, अगर सामने वाला 15 दिन में पैसे लौटा देता है तो आपको कोई मुकदमा करने की
जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साहब 15 दिन में उसने नहीं लौटाया पैसा तो फिर क्या करें, है ना। उसने 15 दिन में पैसा नहीं लौटाया तो आपको संबंधित कोर्ट में एक परिवाद होता है, समझ लो मुकदमा। सर ये क्या बात है, मुकदमा कितना लंबा चलेगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ लड़ेंगे, कोई टेंशन वाला काम नहीं। चेक का मुकदमा बहुत सिंपल और सरल होते हैं। उसमें जिन वकील साहब से नोटिस दिया है उन्हीं के पास ही है, वो आपका परिवाद पेश कर देंगे। परिवाद में क्या होगा, उसको सामने वाले को बुलाएंगे, वो आए तामिल होगी बुलाएंगे, फिर आपके आपके एक बार बयान होंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे हैं सर हमें कुल कितनी बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मुकदमा चेक का मुकदमा करने का कितनी बार कोर्ट में जाना, एक तो जब मुकदमा पेश करते हैं तब, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपके बयान होंगे तब, ठीक है। और तीसरा होगा निर्णय, ठीक है। तो कुल 3 बार जाना है। कई बार तो आपको पेश करते समय भी आपके वकील साहब पेश कर देते हैं, यहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं है और निर्णय होने पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मगर आपको चेक के मुकदमे में जाना चाहिए। यानी कि अगर आप यूँ लगता है मुझे बिल्कुल ही समय नहीं है तो सिर्फ आपको एक बार ही जाना बयान होने के समय, पर वास्तविकता यह है कि बयान होते समय आप जाओगे, उस दिन बयान नहीं होंगे, किसी कारण से आगे पीछे होंगे, तो आपको एक दो बार तो जाना ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें कितना खर्चा लग जाएगा, बात भी सही है। देखो कोर्ट में इसकी कोई विशेष फीस नहीं है, ठीक है, मगर आपके जो एडवोकेट हैं वो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग फीस लेते हैं। कोई एडवोकेट 5,000 रुपये तक लेगा, ठीक है। कोई एडवोकेट प्रतिशत पे लेता है कि जब पैसा आएगा तब लूँगा, कोई 10% पे करता है, ठीक है, कोई ज़्यादा भी करता है। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, मेरा यूँ कहना है कि आपको पहले आपकी कुछ पैसा आप जमा करा दीजिए उनको वकील साहब के पास, बाद में बोलिए कि मेरे को पैसा आएगा तब मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति लंबे समय से आपको पैसा नहीं दे रहा है, कोर्ट में आपका चेक का मुकदमा पेश करके आप उसे पैसा वसूल कर सकते हो। अब जैसे चेक के मुकदमे को किस प्रकार से टाइप करना है, नोटिस में क्या लिखना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने चेक का मुकदमा कर रखा है और बहुत लंबे समय तक चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो रहा है, तो जल्दी फैसला कैसे कराना है, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। और आपका चेक के मुकदमे में मुलजिम कोर्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको कोर्ट में कैसे लाना है जल्दी, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आपका चेक 3 महीने गुजर गए और पूरा ना हो गया, अब बैंक नहीं ले रही है, उससे पैसा कैसे वसूल करना है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। यानी जो प्ले लिस्ट है चेक वाली, उस पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। तो आप अगर इस बात से परेशान हैं कि आपके पास चेक से कोई पैसा ले गया है और आपको पैसा लंबे समय से नहीं लौटा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही सरल प्रक्रिया से आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर बता दूं मैं कि आपको अगर पैसा उधार देने का लाइसेंस नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चेक में कितना अमाउंट भरते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जैसे आप किसी व्यक्ति को 20 लाख उधार दे रखे तो 20 लाख का चेक भर सकते हैं, ठीक है, मगर किसी व्यक्ति ने खाली आपको चेक दिया है तो आपको वही पैसा भरना चाहिए जो वो मांगता है, आप मांगते हैं उसे, ज़बरदस्ती ज़्यादा भरने से कोई सार नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, थैंक यू।